हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ईगेट i9 प्रो मैक्स को, जो कि है प्रोजेक्टर। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेटअप की ज़रूरत था, तो हमने इसे इसके सेटअप के लिए यानी कि स्क्रीन की ज़रूरत थी। तो इसके स्क्रीन के लिए हमने यहाँ पे पुट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है, देख सकते हैं आपने। हमने ये पुट्टी का इस्तेमाल करके एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसपे कि हम क्लियर तरीके से देख पाएँ। इससे पहले ये जो सीमेंट था, इससे पहले ये जो सीमेंट था वो थोड़ा सा खुरदुरा था, जिसपे काफ़ी ग्रेन्स स्क्रीन पे नज़र आ रहे थे। तो इस ग्रेन्स को ना होने के लिए हमने थोड़ा सा स्मूथ स्क्रीन बनाया, जो कि पुट्टी से ही संभव था। तो हमने लगभग से 9:16 का जो है एक स्क्रीन बनाया, जो कि काफ़ी जुगाड़ कर करके हमने धागे लटका के और किस तरीके से करके हमने, हमारे पास एक कुछ इक्विपमेंट थे, एक पैकेट हमने लगाया, और इस तरीके का आप देख सकते हैं स्क्रीन जो है वो तैयार हो गया है। तो दोस्तों, हमने अपने इस प्रोजेक्टर को दिवाली के ऑफ़र में अमेजन से ऑर्डर किया, जो कि काफ़ी किफ़ायती नज़र आ रहा था। ये लगभग हम से इसका प्राइस ट्रैक कर रहे थे तो ये 10,000 का आ रहा था, लेकिन इस बार के ऑफ़र में ये 8,000 का दिखा रहा था, जिसमें हमने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या हाँ डेबिट कार्ड यूज़ किया, तो हमने 900 का यानी कि 10% का डिस्काउंट हुआ, तो 800 का, तो हमें 7,200 का पड़ा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कैसे इसके सेटअप करने के बाद ये कैसा किस तरीके का फिगर है, उस बॉक्स में क्या क्या मिला हुआ है हम लोगों को। तो आइए चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम पावर केबल को, ये जो हमारा पावर केबल है इसको हम लोग लगा करके देखते हैं। ये हमारा पावर केबल जाएगा इसमें, जो कि इससे मेन कनेक्शन देगा, इसमें पावर इनपुट देगा, और हमारा ये जो इनपुट है इसे हम अपने सॉकेट में लगाते हैं। सॉकेट में लगा लेने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रेड लाइट जल रहा है। अभी हमारे पास ये केबल है जो कि AV लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AV। तो इस AV में ये होता है जनरली DTH यानी सेट टॉप बॉक्स और टाटा स्काई, कोई भी किसी भी सेट टॉप बॉक्स के लिए यहाँ पे हमारे पास AV दिया हुआ है। एक पिन खोसा हमने, इसके बाद ये हमारे पास आ गया, और जो कि आपके सेट टॉप बॉक्स में यहाँ से तीन आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और बाकी का तीन जो है वो आपके सेट टॉप बॉक्स में। तो इस तरीके से आप सेट टॉप बॉक्स पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सेट टॉप बॉक्स नहीं है अभी, तो फिलहाल हम दूसरे चीज़ें यूज करेंगे, तो इसको मैं निकाल के रख देता हूँ। ये इनबिल्ट रिमोट उसी में दिया हुआ है। रिमोट में एक पतली वाली दो पेंसिल बैटरियाँ लगती हैं, जो कि खुद हमने खरीदा है, इसमें दी नहीं जाती हैं। अब मैं जा रहा हूँ इस प्रोजेक्टर को ऑन करने लाइट में ही। अभी मैंने अंधेरा नहीं किया हुआ है, पूरा दिन है, दिन के लगभग 1 बज रहे हैं, और मेरे पास एक LED लाइट जल रहा है, दो दो तरफ से खिड़की है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या फोकस, कितना ब्राइटनेस जो है इसका आ पाता है इस हमारे स्क्रीन बनाए हुए स्क्रीन पे। तो देखिए, यहाँ से हम ऑन करते हैं इसे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए नीचे में एक माउंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे आपको जस्ट रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए जो है थोड़ा नीचे जाता है, इसे आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है। हाँ, ये हमारे स्क्रीन पे जब तक फिट ना आ जाए उतना हम हाइट अपना एडजस्ट कर लेंगे। हाइट हमारा जो है वो एडजस्ट हो चुका है लगभग स्क्रीन के रेशियो में, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ से मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, हल्का हल्का सा दिख रहा है। अब मैं दिखाता हूँ कि थोड़ा अंधेरा कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिख सके, ताकि मैं और फंक्शन बता सकूँ। अगर ये हम रात में शूट कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता, लेकिन ये दिन में होने की वजह से आप ऐसा एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। अगर हमारे पास रात वाला वीडियो होगा तो वो भी हम आपको लास्ट में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे एक पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव से डायल के चेक करेंगे कि किस तरीके का जो है क्वालिटी आ रहा है, या फिर कैसे कैसे ये काम करता है। तो हमने पेन ड्राइव को लगा लिया है। पेन ड्राइव को लगाने के बाद अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, स्क्रीन जो है वो ब्लर दिख रहा है। तो ब्लर के लिए फोकस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो दिए हुए, एक फोकस है, एक की स्टोन। तो जो फोकस है वो ऐसे, इसको अगर आप लेफ़्ट राइट की तरफ रोटेट करेंगे, इसको लेफ़्ट या राइट रोटेट करेंगे, तो यहाँ फोकस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि फोकस जो है, देखिए अभी ब्लर हो गया, और हमने थोड़ा सा इसे इधर किया तो वो जो नो सिग्नल लिखा हुआ है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया। यहाँ से ये एक की स्टोन लिखा हुआ है, की स्टोन से देखिए क्या होता है। इस की स्टोन से आप स्क्रीन पर देखिए क्या होता है। की स्टोन से देखिए, आप अगर आप ऊंचाई किए हुए हैं तो आपको ये इस तरीके का एलिवेशन एडजस्टमेंट के लिए देता है। तो हम अपने अनुसार इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और जब फोकस हो जाता है तो एडजस्टमेंट आप खुद ही कर लीजिएगा। देखिए, अब कुछ हमें फोकस लग रहा है। अब हमारे पास इसमें रिमोट दिया हुआ है,
ये रिमोट जो है वो उसी तरीके से काम करता है। इस आप सोचेंगे कि इस डब्बे पे आप अगर फोकस करें तो नहीं होगा, आपको आगे स्क्रीन की तरफ करना पड़ेगा जो कि रिफ्लेक्ट होकर के आएंगे। तो यहाँ पे एक एवी सोर्स है जो कि आप सेटअप बॉक्स यूज करिएगा उसके लिए है। यहाँ HDMI 1 है, HDMI 2 है, PCRGB है। PCRGB वो है जो आप एक CPU के लिए एक और पोर्ट दिया हुआ था तो उसके लिए है। नीचे में USB है, तो हमारे पास USB अभी लगा हुआ है, हम ओपन करते हैं USB। यहाँ के बाद आप देख सकते हैं USB में यहाँ पे वही सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। नीचे हमारे पास मूवीज़ है, फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, तो अगर हमारे पास कोई वीडियोज़ है तो मूवीज़ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, नीचे में एक दो वीडियोज़ हैं। 4K वीडियो यहाँ सपोर्ट नहीं करता है, देखिए आप 4K वीडियो मैंने प्ले किया तो ये अनसपोर्टेड फाइल है। ये वीडियो जो हम देख रहे हैं वो 720 पिक्सल में है जो कि यहाँ प्ले हो पा रहा है, और ये 1080 तक सपोर्ट करेगा USB से। और अनफॉर्चुनेटली आपको इसका हम साउंड नहीं सुना सकते कॉपीराइट इशू की वजह से। बाकी स्पीकर बहुत ही अच्छा है, बेस वगैरह आपको चेंज करने को मिल जाएगा सेटिंग में, बेस भी ठीक है, आपको क्लियर साउंड आता है। रात में ये वीडियो काफ़ी क्लीन दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर रोशनी जो होगी कम होगी। अभी हम लोग देख रहे हैं ये USB में जो कि उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सेम वीडियो अगर हम HDMI केबल से PC से कनेक्ट कर देखें तो ये उससे बेहतर दिखाई देगा। अब नीचे देखते हैं, इस बॉक्स में HDMI केबल नहीं दिया हुआ है, तो हमने मार्केट से HDMI केबल ख़रीदा है, लगभग 150 का पड़ा है हमें, आप अपने मार्केट में देख लीजिएगा। हालांकि इन्हें बॉक्स में HDMI केबल देना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिया, फिर भी देखिए अब HDMI केबल यहाँ पे HDMI 2 लिखा हुआ है, इसमें दो HDMI सॉकेट दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे HDMI के दूसरे वाले सिरे को हम अपने लैपटॉप में लगा लेते हैं और प्रोजेक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके का क्वालिटी लैपटॉप से देता है। चलिए देखते हैं, जैसे ही लैपटॉप ओपन होता है आप को HDMI 2 पे जिसमें आपने उसे इंसर्ट कर रखा है वो भी कर देना होगा। अब देखिए लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो आप हमारे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप सीधे माउस, वायरलेस माउस रख लीजिए, आप अपने बेड पे बैठे रहिए और वहाँ से सीधे आप माउस को ऑपरेट करिए, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये चीज़। आप वही वीडियो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे हम, साकी साकी करके जो वीडियो था ऐसे हम फुल स्क्रीन में कर देते हैं। लैपटॉप के ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करने से उसके ब्राइटनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके इनबिल्ट उसके रिमोट में ब्राइटनेस के लिए दिया हुआ है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि मेन्यू में, यहाँ से आप देखेंगे नीचे में पिक्चर मोड में, यहाँ से आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, कलर, शार्पनेस, टिंट, ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने कन्वीनियंट के अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। और देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। टेम्परेचर आप अगर कूल, अगर आपका स्क्रीन जो है थोड़ा सा ब्लूइश है तो आप हॉट कर लीजिए, आपका टेम्परेचर अगर स्क्रीन जो है थोड़ा सा येलोइश है तो आप कूल कर लीजिए। आस्पेक्ट रेशियो है हमारे पास 16:9 या फिर एक होता है 4:3, तो वो हम यूज कर सकते हैं। बाकी आप प्रोजेक्शन, जूम प्रोजेक्शन को देखिए, अगर आप स्क्रीन छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, जैसे कि ये छोटा होते होते स्क्रीन का प्रोजेक्शन जो है वो छोटा होकर मिनिमम जो है 75 तक जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ से 75 जो है वो मिनिमम है, अगर आप हो सकता है ध्यान से नहीं देख पा रहे हो लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो HDMI पे है वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और USB में थोड़ा सा क्वालिटी गिर जाता है। अब यहाँ पे 4K वीडियो वहाँ पे नहीं चल रहा था लेकिन आपके लैपटॉप में अगर चलेगा तो यहाँ पे क्लियर रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 4K वीडियो HDMI केबल से चलेगा। आप थोड़ा सा नज़दीक से देखिए कि स्क्रीन का जो है पिक्सल्स या क्वालिटी कैसा दिख रहा है। अगर ये हम रात में शूट कर रहे थे तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता, लेकिन ये दिन में होने की वजह से आप ऐसा एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। अगर हमारे पास रात वाला वीडियो होगा तो वो भी हम आपको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी से हम थोड़ा सा इसके साइज़ को आगे पीछे करके देखेंगे कि किस कितना जो है वो फोकस ले पाता है। तो हम एकदम सबसे करीब पहुंच के देखेंगे कि कितना करीब हम जा सकते हैं, कितना छोटा स्क्रीन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट भी करना होगा।
देखिए लास्ट हमने इसे लास्ट कर लिया है, इस फोकस वाले व्हील को हमने लास्ट कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि इससे ज़्यादा अगर हम नज़दीक जाते हैं, ये लगभग 2 मीटर की डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं तो ये फोकस नहीं हो पा रहा है, डी फोकस हो जा रहा है। और यहाँ पे आते ही ये फोकस हो जा रहा है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये डी फोकस हो जा रहा है, और यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये फोकस हो जा रहा है। अब इससे पीछे जा रहा हूँ तो डी फोकस हो रहा है। अब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे व्हील से, तो जैसे हम व्हील से एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फोकस हो गया। अब यही आप कितना भी पीछे जा सकते हैं, लेकिन एक हद तक पीछे जाने के बाद ब्राइटनेस कम हो जाएगा, और तो आप बहुत बड़े स्क्रीन पे देखेंगे लगभग जितना दीवार है हमारा, ये लगभग 8 फीट का है, तो 8 फीट वाले दीवार पे आप उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाइएगा। हाँ, रात में कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते। रिव्यू में मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने इस डब्बे को इस ढक्कन को बोला था कि ये फालतू है, बेवजह है, लेकिन ये फालतू बेवजह नहीं है। इसे अगर आपको कवर करके रखना है स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए, तो ये जो है आप अगर मिनिमम प्रोजेक्ट फोकस को आप मिनिमम करिएगा तो ये अपने आप बाहर की तरह आ जाएगा। जैसे ही ये बाहर की तरफ आता है तो आप इसको ऐसे कवर कर दीजिएगा, तो ये आपका स्क्रीन जो है सेफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए।